तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सोलो रैंक पुश के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। हेलो गाइस, टिप नंबर वन होने वाली है हमारी पेट पर। पेट पर बहुत सारे बंदे कहते हैं कि कौन सा भाई पेट सेलेक्ट करे, तो पेट हमारे को सेलेक्ट करना है फैल्को। उसके बाद हम वॉन्टी टोकन और स्कैनर लेकर मैच को स्टार्ट करते हैं। अभी फैल्को पेट मैंने आपको इसीलिए सिलेक्ट करने को बोला क्योंकि आप बाकी बंदों से बहुत ही फास्ट लैंडिंग कर सकते हो और उनको आसानी से मार सकते हो। तो चलिए गाइज, हमारी टिप नंबर टू होने वाली है लैंडिंग पर। तो गाइज आप देख लो अभी लैंडिंग कैसे करनी है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ लैंडिंग वैसे वैसे कर रही है, और इस घर में आकर आपको कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ लूट लेना है। और आपको यहाँ से एनिमी को सपोर्ट करना है कि कोई एनिमी तो नहीं है मेरे पास। लूट होने के बाद आपको पकड़नी है जिप लाइन और निकलना है मिल्की साइड। और अब हम यहाँ से करेंगे बंदों को सपोर्ट। यहाँ से हम पहले बंदों को सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर देखिए मुझे एक एनिमी सपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमें गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो यार हमें ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पर बंदे हैं। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे फ़ाइट लेनी है या नहीं। मैं तो भाई फ़ाइट लूँगा बंदों से। अब देखना, यहाँ पर इसको करता हूँ मैं किल। और यहाँ पर मुझे बंदों के फुट स्टेप आ रहे थे, और यहाँ पर देखिए मैंने कर लिया एनिमी को सपोर्ट यहाँ पर। और यहाँ पर इसको भी मैं आसानी से डैमेज देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ मैं आसानी से किल्ड। तो यार अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर बंदे हो चुके हैं, यहाँ पर फिनिश। अब कोई बंदा नहीं है यहाँ पर मिल पर। और यहाँ पर मैं अच्छे से करूँगा लूट, और लूट करते करते मैं अच्छी अच्छी गन उठाऊँगा भी। और यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है अगर आपके पास वो वाली गन नहीं है कोई। तो गाइस बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि उनके पास जो FF टोकन होते हैं उनका स्कोप और बैकपैक जैसी चीज़ें खरीदते हैं। अरे नहीं यार, आपको ये सब नहीं खरीदना, क्योंकि आपको यहाँ से इतनी अच्छी लूट मिलेगी ना, यहाँ से स्कोप जैसी चीज़ें तो ऐसे मिल जाएंगी। यहाँ पर देखना अभी मैं जैसे जैसे लूट करता हूँ अभी। टिप नंबर फोर हमारी इन हीलर पर होने वाली है। इन हीलर आपको जितने गेम में मिले उतने आपको कलेक्ट करने हैं, क्योंकि शॉर्ट रेंज फाइट में इन हीलर एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्थ दे सकती है। वहाँ पर तो हम मेडिकेट भी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इन हीलर बहुत ही ज़्यादा उठाने हैं। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आपको स्कोप नहीं खरीदना। यहाँ पर देखिए कितने स्कोप पड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 4x स्कोप तक सभी मिल जाएंगे। तो गाइस टिप नंबर 5 हमारी होने वाली है M4A1 पर। तो गाइस आपको यहाँ भी ये गन मिले आपको उठानी ही उठानी है, क्योंकि इसका डैमेज बहुत है। यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से किल कर देती है ये। तो गाइस टिप नंबर 6 होने वाली है हमारी, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि गाइस हम गाड़ी से ही अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं गेम में। हम पहले वेंडिंग मशीन से ग्लूबल कलेक्ट करने जाएंगे जितने टॉपर होंगे। तो गाइस वेंडिंग मशीन से ग्लूबल कलेक्ट करके हम अपनी गाड़ी के पास आएंगे, और यहाँ से हम अपनी गाड़ी को उतार देंगे पुल के ऊपर। गाड़ी मैंने इसलिए ले ली है आपको, क्योंकि आपको साइड साइड में रहना और जब चाहें तब आप जा सकते हो। आपको यहाँ पर वेट करनी होगी, जब जोन आएगा तभी आपको गाड़ी को लेकर आगे जाना होगा। जैसे देखिए मैंने देखा कि जोन का सर्कल बन गया है आगे वाला, तभी मैंने आप गाड़ी आगे देखा। तो भाई अभी गाड़ी का काम होता है हमारा ख़त्म। यहाँ पर आकर हमें गाड़ी को छोड़ देना है, टाटा बाय बाय कर देनी है अभी गाड़ी को। यहाँ से हम
और देखने के लिए चैनल को कर